ठीक है, तो इसलिए मैं काफी अच्छे से बता पाऊंगी इसका जो रिजल्ट कैसा आया है। मैं आज रात को मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, मेरा स्किन लगता है कि मेरे स्किन ने पानी पी लिया है, एकदम प्लम्पी प्लम्पी हो जाता है, मेरा चीक्स बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ग्लो करता है स्किन, और काफी अगर फेस पे डलनेस है तो उस डलनेस को भी ये हटा लेता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए गुड वाइब्स का एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो आपको फर्स्ट यूज से ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब क्या प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ वो जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के जो नोटिफिकेशन बने रहा वो जरूर दबा दीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री होता है क्योंकि मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो मेरे वीडियो को आप खूब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं शांति, आप देख रहे हो ग्लैमर शांति 07, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये पपाया स्लीपिंग मास्क के बारे में। स्लीपिंग मास्क क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज स्लीपिंग मास्क। सो स्लीपिंग मास्क क्या होता है, स्लीपिंग मास्क हमारे स्किन को जो भी डिहाइड्रेटेड होता है स्किन उसे हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप मान लो कि अगर जैसे कि अगर आपकी स्किन पानी पिए तो कैसा लगेगा, स्किन एकदम हाइड्रेटेड हो जाएगा और स्किन एकदम प्लम्पी दिखेगा। तो ऐसा ही होता है इसी स्लीपिंग मास्क के साथ कि अगर जब इसे अप्लाई करोगे इसके बाद कोई भी स्लीपिंग मास्क अगर अप्लाई करते हो तो वो आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, और अगर उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो कि डस्ट स्पॉट्स को रिमूव कर सकता है तो वो भी करता है, और साथ ही साथ ये आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, जो ऐसे यहाँ पर जो पोर्स होते हैं, इस पोर्स में कोई भी डर्ट या इम्पोल्यूटेंट जाने से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसे एक शील्ड की तरह ये प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इंग्रेडिएंट्स भी आपके स्किन के सामने शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसमें प्यूरिफाई वाटर, ग्लिसरीन, पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ककाडुपम एक्सट्रैक्ट, ऑलिव ऑयल, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, रोज फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ऑलिव लीव एक्सट्रैक्ट, एकेशिया सिंगल गम, ज़ैंथम गम, सनफ्लावर ऑयल, योगर्ट एक्सट्रैक्ट, जिनेरियम ऑयल, एंड इसके अलावा है हाइलोरिक एसिड यानी कि सोडियम हाइलोरिक। तो ये है आज का ये पूरा ये जो प्रोडक्ट है इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो अब हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो इसका जो बेनिफिट है, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि हाइड्रेशन यानी कि डिहाइड्रेट स्किन को ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन को हाइड्रेटेड करता है। इसके बाद मैं बात करूंगी इसमें पपाया है तो ये डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, डलनेस को हटाता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, एंड स्किन को नेक्स्ट मॉर्निंग में प्लम्पी बनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपका स्किन आप देखना ग्लोइंग भी नजर आएगा, ठीक है, पहले से ज्यादा। अब बात करूंगी प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है। प्रोडक्ट क्लेम करता है कि इट गिव्स अ हेल्दी ग्लो, इट ब्राइटन अप योर स्किन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड यू गेट अ रेडिएंट लुक इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके। सो डेमो आपके सामने मैं शो कर दूंगी, यहाँ पर आप देख पाएंगे कैसे नाइट के टाइम पे इसे अप्लाई करना होता है, रात के टाइम पे सोने के पहले। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि इससे आपको एवरीडे यूज नहीं करना है। बहुत लोग सोचेंगे कि अच्छा रिजल्ट देता है, चलो इसे हम यूज कर लेते हैं एवरीडे, लेकिन इसे आपको एवरीडे यूज नहीं करना है। इसे आपको हफ्ते में दो बार यूज करना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार, इससे तो बिल्कुल नहीं। अगर आप केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन कुछ भी अप्लाई कर रहे हो तो उससे 2 दिन बाद इसे अप्लाई करना है, ठीक है। आपको इसे बहुत केयरफुली मतलब आपको ध्यान में रखना होगा, आपको इसके साथ कोई भी केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन यूज नहीं करना है या उसके साथ कोई स्लीपिंग मास्क यूज नहीं करना है। तो इसे आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना है, एंड इसलिए आपको बेड टाइम के पहले आपको फेस पे अप्लाई कर लेना होता है। मैं उसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कैसा है, एकदम
जेल टाइप टेक्सचर है इसका, जेली जैसा होता है ना, जेली एकदम जेली जैसा होता है, एकदम जेली जैसा टेक्सचर है इसका। ठीक है, इसका प्रेगनेंसी काफी वो जैसे लाइटली जेली जैसा ही है, मतलब कोई अगर आप फ्लेवर जेली खाते हो तो ऐसा ही कोई सच ऐसा ही फ्लेवर है। प्रेगनेंस अच्छा है, स्मेल काफी अच्छा है, ऐसा नहीं कि किसी को बॉदर करेगा, बहुत हाई प्रेगनेंस तो नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंस नहीं है, काफी माइल्ड है बट अच्छा है। ओके तो इसका प्राइस के बात करूं तो प्राइस है ₹299 फॉर 50 ग्राम प्रोडक्ट, और सेल्फ लाइफ इसका है 2 इयर्स। और लेकिन ये आपको पर्पल पे जब जाएंगे तो वहां पर आपको सेल चलता ही रहता है हमेशा, तो पर्पल पे आपको ये प्रोडक्ट 200 या फिर 212 250 के अंदर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करूंगी मेरे एक्सपीरियंस, तो मेरे एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है मेरे साथ, ये बहुत बहुत देख ही पाए होंगे कि कितना खत्म कर चुकी हूँ मैं, मतलब एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं काफी अच्छे से बता पाऊंगी इसका जो रिजल्ट कैसा आया है। मैं आज रात को मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, मेरा स्किन लगता है कि मेरे स्किन ने पानी पी लिया है, एकदम प्लम्पी प्लम्पी हो जाता है मेरा चीक्स, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ग्लो करता है स्किन, और काफी अगर फेस पे डलनेस है तो उस डलनेस को भी ये हटा देता है, दूर कर देता है, और स्किन काफी ब्राइट भी दिखता है एंड काफी ग्लोइंग दिखता है। ये मेरे साथ हुआ है, तो ये मैं हफ्ते में 2 बार अप्लाई करती हूँ, और मेरे जो भी अगर स्किन डिहाइड्रेट फील होता है तो वो भी हाइड्रेशन इतना देता है कि आप पूछो ही मत। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।